कंप्यू एक्सपर्ट चैनल पे महेंद्र जी आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि LG का जो टॉप लोडिंग फुली ऑटोमेटिक मशीन है, इसका हम डेमो देखेंगे। देखिए ये मशीन है, तो इसका डेमो देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या कंट्रोल्स रहते हैं, इसको कैसे ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे लिखा है, देखिए ऑटो रिस्टार्ट, इसका मतलब है ये मॉडल में ऐसा होता है कि समझ लीजिए आप कपड़े धो रहे, अपने टाइमिंग इसका दिखा रहा है 20 मिनट पूरा वॉश करने का, लेकिन 10 मिनट के बाद इलेक्ट्रिसिटी कट होता है, यानी कि लाइन कट होता है। तो जैसे ही लाइन कट होता है और लाइन आने के बाद, समझो 10 मिनट में लाइन कट होता है, तो बाकी 10 मिनट का प्रोग्राम ये फिर से चालू करता है, इसलिए यहाँ पे उसको बोलते हैं ऑटो रिस्टार्ट। मशीन का जो मॉडल है यह है स्मार्ट इन्वर्टर 6.2 kg। ये देखिए ये टॉप लोडिंग मशीन है पूरा। तो अभी इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पे ऊपर ये जो ग्लास दिख रहा है आपको, ये जो ग्लास टफन होता है, टफन मीन सेफ्टी टेम्पर्ड ग्लास, यानी कि ये फूटने के बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं जो आपको हाथ को कुछ इंजरी नहीं करते हैं। अभी इसको खोलने के बाद यहाँ पे आपका टब रहता है, टब के अंदर बहुत सारे होल्स हैं और नीचे आपको दिख रहा है तो तीन जो दिख रहे हैं ना सर्कल, जो छोटे छोटे मोटर्स है वो अलग अलग का काम करता है। तो हम इसमें इसके बारे में ज़्यादा इन्फो देंगे। यहाँ पे जो ब्लू दिख रहा है ये जो है, जब आप कपड़े क्लीन करते हो तो उसके अंदर की कोई गंदगी या कुछ बोलते हैं उसको कॉटन की है, जो कॉटन निकलता है, कपास निकलता है, कुछ गंदा निकलता है तो इसके अंदर जाके अटकता है। तो इसको हम देखिए, मैं इसको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इसको हम यहाँ पे, ये देखिए इसको हम खोलने के बाद, ये देखिए ये खुल गया। तो यहाँ पे दिख रहे थे, ये देखिए यहाँ पे गंदगी दिख रहा है आपको। तो ये हम उसको अपना जो नॉर्मल टूथब्रश रहता है ना अपन टूथ क्लीन करते हैं, उससे हम क्लीन कर सकते हैं। अभी जो टब के अंदर हम देखेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा, ये जो टब है ये क्लॉकवाइज, जैसे कि ये ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जैसे पानी के अंदर अपना कपड़ा जाता है तो वो कपड़े को पानी के साथ सीधा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, इससे क्या होता है कि कपड़े के अंदर की गंदगी पूरे निकल के आती है। अच्छा, इसके अंदर जो तीन आपको जो छोटे छोटे यहाँ पे जो रोटर दिख रहे हैं वो पानी को के अंदर एक उसको प्रवाह निकलता है, जैसे कि पानी के अंदर वो और टर्बाइन जैसे कि उसको घुमा के उसके अंदर एक लहर पैदा करती है, जो लहर पानी के साथ साथ कपड़े को घुमा के कपड़े को क्लीन करने के लिए मदद होता है। तो टब का मैं आपको समझो, टब का जो टब है क्लीन करने के लिए कोई आपको ज़्यादा इन्फॉर्म चाहिए तो मेरा एक वीडियो है, इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, उसको क्लिक करके आप उसका टब कैसे क्लीन करते हैं आप देख सकते हैं। सॉरी, अच्छा इसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है ये डिटर्जेंट का रैक है, यहाँ पे आप डिटर्जेंट डालते हो। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ छोटा अपन लोग यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, यहाँ पे आप लिक्विड सोप भी डाल सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये तो यहाँ पे आप जो व्हाइट कपड़े के लिए ब्लू आता है, ब्लू लिक्विड जो शाइनिंग करता है कपड़े के लिए, वो भी आप डाल सकते हैं। तो चलो अभी ये ऊपर की जो सतह के ऊपर जो कंट्रोल्स है वो देखेंगे। तो मशीन पे और देखेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए वाटर दिख रहा है यहाँ पे और डिटर्जेंट है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर से। तो ये आपको इसका क्या एग्जैक्टली वो आपको वो इंडिकेट करता है मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए कॉर्नर में पहला जो है पावर ऑन ऑफ स्विच है, बाजू में स्टार्ट है, उसके बाजू में प्रोग्राम है, एयर ड्राई, स्पिन, रिंस, वॉश, वाटर। ओके, तो ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कपड़ा लेके वो एग्जैक्टली उसका काम कैसे वॉश करने के लिए रेडी होता है हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी आगे जाके आपको एक डेमो दूंगा जहाँ पे आपको एग्जैक्ट ऑपरेटिंग कैसे होता है, कौन सी बटन से क्या कर सकते हो, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अभी मैंने यहाँ पे दो कपड़े लिए हैं, ये मैं पहले सिंपल स्टेप आपको बताऊंगा। तो दो कपड़े को मुझे धोना है, यहाँ पे एक मेरा टी शर्ट है और यहाँ पे मेरा एक मेरा ट्रैक पैंट दिख रहा है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसके अंदर ड्रम के अंदर इसको डाल देंगे। ओके, ये देखिए मैंने दोनों को डाल दिया है सिंपल वे। अच्छा, इसके अंदर देखिए डिटर्जेंट को मैंने 2 चम्मच डाल दिया है अभी, ये देखिए उसको मैं क्लोज करता हूँ, डोर को क्लोज करता हूँ। अभी मुझे समझो अपनी नया मशीन है, आपको कुछ भी मालूम नहीं है,
तो इसको हम कैसे धोएंगे? तो पहला वाला है, इसके अंदर हम जो पावर वाला बटन है उसको हम पहले ऑन करेंगे। ये देखिए, अच्छा ये पावर ऑन बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स है, नॉर्मल, उसके बाद जेंटल, उसके बाद क्विक वॉश, स्ट्रॉन्ग जींस, फिर यहाँ पे देखिए नॉर्मल है यहाँ पे, फिर एक्वा रिजर्व है, फेवरेट है और टॉप क्लीन है। तो अभी ये जो मेरे जो दो कपड़े हैं ये मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, प्रोग्राम पे, प्रोग्राम का जो बटन है यहाँ पे देखिए, प्रोग्राम का, इसको मैं नॉर्मल पे रखना है मुझे। ये देखिए प्रोग्राम जिसे मैं दबाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे टाइमिंग दिखाता है उसको मैं देखिए अभी, ये देखिए, तो पहले वाले नॉर्मल पे रखूंगा मैं, उसके बाद मुझे प्रेस करना है स्टार्ट। तो आपके पास जजमेंट रहता हूँ कि ये जो मशीन काम कैसे करता है, जो मेरे अंदर दो कपड़े है उसका वो पहले वजन करेगा, वेट करेगा, वेट के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखेगा कि कितना उसको पानी चाहिए और कितना डिटर्जेंट वो लेने वाला है, पूरा ही ऑटोमेटिक होने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे उसको प्रोग्राम के बटन को यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, मैंने यहाँ पे नॉर्मल रखा है, प्रोग्राम बटन दबा के नॉर्मल पे रखा है, देन स्टार्ट। देखिए अब ये कैलकुलेट कर रहे कि इसका अंदर, देखिए आप इसको भी अंदर देखिए, ये देखिए अभी वो इसको घुमाएगा, ये देखिए यहाँ पे वो कर रहा है काम, ये देखिए घुमा रहा है, घुमाने के बाद क्या करता है कि इसका वो वजन करेगा, कितने कपड़े उसको वेट के हिसाब से पानी कितना लेना है। तो यहाँ पे देखिए अभी इंडिकेटर दिखाएगा आपको, देखिए उसका भी काम चालू है और मैं उसने घुमा दिया, और यहाँ पे भी देखिए क्या होता है, पूरा क्लीन करने के लिए, अच्छी तरह से क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो देखिए इसका नोट दिखा रहा है 6 पे, तो 6 का मतलब ये इतना पानी लेने वाला है और वो पाउडर लेके डिजिटल पाउडर यहाँ से लेगा और काम करूं चालू कर देगा। तो ये अपना हो गया है, कौन सा मोड वाला, पहला वाला नॉर्मल। ओके अभी मैं इसको, मैं पूरा मशीन को स्टॉप करता हूं। तो यहाँ पे दूसरा वाला है जेंटल वूल, मींस जैसे कि समझे अपने को नॉर्मल पे नहीं कर रहा है, मुझे मालूम है कि मेरे पास जो मैंने कपड़े डालना है या डालने वाले हो वो वूल का है, वूल कॉटन, वूल जो होता है कपड़ा इसका है। तो मुझे क्या करना है, अभी देखिए सीधा मशीन को ऑन करना है पावर पे, और प्रोग्राम को देखिए यहाँ पे प्रोग्राम दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्रोग्राम को क्लिक मारना है और ये देखो यहाँ पे जेंटल पे लेना है और बस यहाँ पे स्टार्ट करना है, बस स्टार्ट करना है। मैं इसको भी पॉज करता हूँ। तो ये दूसरा वाला जो मोड है वो जेंटल है, वूल मोड है। तो ये जो मोड होता है यहाँ पे उसको हम बोल रहे हैं कि मशीन को, इसके अंदर वूल टाइप के कपड़े हैं, इसको हम आराम से बहुत प्यार से उसको धोना है, इसलिए इसको जेंटल मोड बोलते हैं। आगे वाला है वो क्विक वॉश है। क्विक वॉश का मतलब ऐसा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी कपड़े वॉश करना है। तो देखिए आप इसको भी देखेंगे, अभी मैं टेम्पररी इसको स्टॉप करता हूँ मशीन को, कपड़े वहीं पे वही हैं लेकिन मुझे क्विक वॉश करना है। तो देखिए मैं इसको चालू करूंगा, यहाँ पे प्रोग्राम पे क्लिक मारूंगा, क्विक वॉश में देखिए इसका टाइमिंग क्या दिखा रहा है, 23। और यहाँ पे देखिए मैं समझो नॉर्मल भी करता हूँ जितना दिखा रहे हैं 38। सो क्विक वॉश का मतलब ऐसा कि आपके पास टाइम कम है और आपको जल्दी कपड़े धोना है। उसके आगे वाला दिख रहा है स्ट्रॉन्ग जीन्स, मुझे जीन कपड़े हैं, जीन टी शर्ट है, जीन का जैकेट है, जीन के पैंट्स है, वो डालना है और डायरेक्ट वॉश करना है, नॉर्मल मोड पे नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको फिर और बार मशीन ऑन करता हूँ, समझ लीजिए अंदर मैंने जीन के दो पैंट डाल दिए हैं और मैं यहाँ पे कर दूंगा पावर, देन प्रोग्राम, यहाँ पे दिख रहा है प्रोग्राम, देन मैं कहूंगा स्ट्रॉन्ग के लिए, स्ट्रॉन्ग जीन के लिए, स्ट्रॉन्ग जीन की जैसे करूंगा और उसके बाद जैसे मैं स्टार्ट करूंगा, देखिए उसके बाद वो फिर वेट चालू करेगा, यहाँ देखिए वो वेट कर रहा है, वजन करेगा,
और वो हिसाब से पानी कितना चाहिए वो खुद ही डिसाइड करेगा, और डिटर्जेंट कितना है वो खुद डिसाइड करेगा। और उसके बाद हमने रखा है स्ट्रॉन्ग के ऊपर। स्ट्रॉन्ग में क्या होता है ना कि मशीन का जो टब है और अंदर का जो रोटर है वो ज्यादा जोर से घूमेगा, इनकेस से क्या होता है कि जिन के अंदर जितनी कुछ गंदगी होती है वो ज्यादा क्लीन करने के लिए वो उसको बाइंड करेगा। ये देखिए सेम थिंग है, यहाँ पे मैंने मोड लिया था, क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग जेल लिया था। मैं समझ लीजिए अंदर में जिन के कपड़े डाल चुका हूं। ये देखिए जस्ट वेट, देखिए अभी टाइम कितना पड़ गया 53। उसको मैं पॉज करूँ यहाँ पे क्योंकि जो प्रिंटिंग वो चालू करेगा। देखिए स्ट्रॉन्ग जिन के लिए उन्होंने 53 मिनट लिया, क्यों कि उसको मालूम पड़ गया कि हमने जीन डाला है, अपने मोड लिया है स्ट्रॉन्ग जीन, यानी कि आपको इसको बहुत ही हेवी तरीके से धोना है, ज्यादा पानी लेना है, ज्यादा टाइम के लिए धोना है, तो ये आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग को जीन मोड करके आपको चालू करना पड़ेगा। अभी मैं इसको टेम्परेरी के लिए बंद करता हूँ मशीन को, फिर उसके आगे का जो आप देखेंगे मोड कौन सा, देखिए मैं इसको चालू करता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए है ऊपर वाला नॉर्मल है, इसको छोड़ लीजिए, एक्वा रिवर्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखिए एक्वा रिवर्स। अच्छा एक्वा रिवर्स का मतलब ऐसा ही समझ लीजिए कि मैं दो कपड़े धो रहा हूँ, उसके अंदर टाइम हुआ समझो 40 मिनट है, उसके अंदर वो पहले पानी लेगा, डिटर्जेंट डालेगा, धोएगा, पानी को बाहर निकाल फेंकेगा, फिर अगला पानी लेगा, उसके बाद धोएगा फेंकेगा। लेकिन जब ये आम एक्वा रिवर्स का यूज करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है एक्वा रिवर्स, ये देखिए यहाँ पे ये, उसमें क्या होता है कि सेकंड टाइम जो पानी लेता है उसको वो फेंकता नहीं है, वही पानी से वो कंटिन्यू करके कपड़े धोता है। इसका फायदा उस होता है कि जहां पे आपकी पानी की सप्लाई कम है, पानी आपके पास कम है, तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको एक्वा रिजर्व का यूज करना है। पानी आपके पास बहुत सारा पानी है तो एक्वा रिवर्स का यूज आप मत करिए। उसके आगे वाला फेवरेट है, उसके आगे वाला टब क्लीन। टब क्लीन के लिए मैंने अभी बोला था आपको कि टब क्लीन का मैंने वीडियो मैंने डाला है, एलजी का टॉप लोडिंग जो मशीन का टब क्लीन कैसे करते हो, तो इसका लिंक मैं वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। अभी इसके बाद मैं आपको जो बाकी जो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, वॉश, रिंस, स्पिन, एयर ड्राई और प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम मैंने बता दिया है। देखिए यहाँ से चालू करेंगे, पहला वाला है 3 मिनट, तो 3 मिनट के बाद काम करेगा, मशीन स्टॉप होने वाला है। और ये दबा दिया 6 मिनट हो गया, और ये दबा दिया 9 मिनट, और ये दबा दिया 10 मिनट, समझा मुझे 10 मिनट अभी वॉश करना है, तो क्या करना है इसके बाद 10 मिनट सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे स्टार्ट को क्लिक करना है, बस इतना ध्यान में रखिए। ओके अभी हम नेक्स्ट वाला मेनू करेंगे, इसको मैं ऑफ करता हूँ और एक बार ऑन करूंगा। अभी रिंस, रिंस का मतलब ऐसा कि पानी के अंदर कपड़े को धोके से पानी के अंदर उसको अपन जैसे बाल्टी के अंदर पानी लेके उसको कपड़े को अपन उसको नीचे ऊपर करते हैं पानी के अंदर, उसको बोलते हैं रिंस। तो रिंस के लिए वैसे सेम काम है, यहाँ पे आपको देखिए पावर ऑन कर दिया, देन रिंस को क्लिक करूंगा 1, 2, 3, 4 बार 0 ऐसे 1 बार कर दे तो एक टाइम पानी लेगा, रिंस करके पानी फेंक देगा, और वह दबा दिया 2 टाइम लेगा पानी लेगा उसको रिंस करेगा पानी फेंक देगा, और ये बार ले लिया 3 मिनट पानी लेगा 3 टाइम सॉरी पानी लेगा रिंस करेगा फेंक देगा। ये इतना ही सिंपल रिंस का काम होता है। मैं इसको अभी स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, देन अगेन आगे वाला है जो स्पिन। स्पिन का मतलब कि उसको जैसे कि पानी अपने कपड़े धोए हैं उसके अंदर का पानी आपको निकालना है, उसको घुमाना है, बस घुमाना है, पानी डालना नहीं है, स्पिन करना है। तो यहाँ पे आप क्या करना है, स्पिन को देखिए यहाँ पे देखिए 6 मिनट दिख रहा है हमें, देखिए 6, 7 मिनट 0, 1 मिनट, 2, 3 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, फिर डैश 0, 1। अभी समझो मैं यहाँ पे 3 मिनट लगता हो और यहाँ पे मैं प्रोग्राम को स्टार्ट करता हो, तो इसका जो अंदर का जो कुछ कपड़े रहेंगे उसको वो 3 मिनट के लिए स्पिन करेगा, घुमाएगा। आपको भी दिखाओ डेमो, देखो मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ, अभी देखिए यहाँ पे जस्ट देखिए, इसके अंदर तो कुछ पानी नहीं है, मैं आपको मैं दिखा रहा हूँ ये स्पिन कैसे करता है। देखिए अभी ये स्पिनिंग का काम वो चालू करेगा, ये पानी नहीं ले रहा है, सिर्फ स्पिन कर रहा है। देखिए 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 अभी ये जो टाइमिंग आपने लिया है
और इस तरह से उसको वो स्पिन करते जाएगा। स्पिन का मतलब ऐसा कि पानी के सॉरी कपड़े के अंदर जितने कुछ पानी है आपको निकालना है। ओके ये देखिए चलो हो गया। इसका स्पीड बाद में हलोल बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि जिसके अंदर से ग्रेविटी के हिसाब से ये पानी टब के अंदर की होल जो बाजूल होल हो वहां पे से वो पूरा बाहर निकल के कपड़े के अंदर के पानी को निकाल देगा। इसके वास्ते मोड अपना कौन सा है, वो है स्पिन मोड। ये देखिए चालू हो गया, ये देखिए ओनली स्पिन है, ये देखिए कितना चालू फास्ट हुआ, देखो ये देखिए ये देखिए ये देखिए अभी ये स्पीड बढ़ता जाएगा और स्पिनिंग का काम चालू हो गया। इसको मैं भी स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, जस्ट पॉज, मशीन को पूरा बंद करता हूँ। आगे का जो ऑप्शन है यहाँ पे एयर ड्राई, एयर ड्राई का मतलब ऐसा है ना कि ये पानी भी रहेगा लेकिन जैसे सेम जैसे स्पिन है तो आप एयर ड्राई को देखेंगे। समझो मैं अभी ऑन ऑन करता हूँ यहाँ पे, देन सपोज मैं अब यहाँ पे एयर ड्राई पे क्लिक करता हूँ, ये देखो 30 मिनट दिखा रहा है टाइमिंग, 60 मिनट, 90 मिनट, 2 मिनट, 2 आवर सॉरी यहाँ पे आवर दिखा रहा है, ये देखिए तो 30 मिनट के लिए टाइमर चालू करेगा और ये पूरा स्पिन जैसे ही घूमते रहेगा और पानी जो कुछ कपड़े के अंदर पानी है उसको वो निकाल देगा। और ये जो है ये पूरे नीचे के मोड है, आपको लास्ट वाला मोड दिखाना है वाटर, वो भी देख लेंगे एक बार। मैं मशीन को ऑफ करता हूँ, चालू करता हूँ, वाटर को क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे 45, 48 देखिए कम से कम कितना देखेंगे अभी देखिए, तो ये 45 मिनट 36 मिनट, ये 36 मिनट के लिए पानी लेके कपड़े के अंदर उसको रख देगा। अभी मैं समझो 36 टोटल 36 मिनट पानी के अंदर रखने में मुझे वॉश करना है तो यहाँ पे हम उसको सेट भी कर सकते हैं कितना मिनट वॉश करना है आपको। ये देखिए अभी देखिए मैं 3 मिनट वॉश, पहले वाला मैंने क्या लिया था वाटर के लिए, ये देखिए 30 मिनट 33 लिया, वॉश के दे दिया, फिर रिंस कितना लेगा मैं इसको सेट कर सकता हूँ, मैं इसको रिंस एक बार करना है, स्पिन कितना करना है वो सेट कर सकता हूँ, 6 मिनट स्पिन करना है। ये पूरा चारों सेट करने के बाद मुझे यहाँ पे स्टार्ट को क्लिक करना है। लेकिन इतना डिफिकल्ट मोड पे मत जाइए, आप इसको अलग अलग मोड पे के लिए जैसे इंडिविजुअल काम होता है वैसे काम करते जाइए। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको कुछ भी मालूम नहीं है, कपड़े डाल दिया, पावर ऑन कर दिया, प्रोग्राम को जा दिया, प्रोग्राम में नॉर्मल रख दिया मैंने और यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, बस इतना ही। और इंडिविजुअल मुझे सिर्फ कपड़े अलग अलग मोड पे धोने हैं तो अलग अलग यहाँ पे मोड है, उसमें ज़्यादा यूज होता है वॉश का, देन आता है रिंस का, स्पिन का, एयर ड्राई ज़्यादा होता नहीं है, ये तीनों है वॉश रिंस और स्पिन। वॉश मैंने बोला आपको कि वो कितना टाइम के लिए पानी का पानी लेना है, रिंस मीन्स कितना उसको टाइम घुमाना है, स्पिन मीन्स कितना उसको घुमा के पानी निकलना है। रिंस मीन्स सिर्फ पानी लेगा और कपड़े को वो धोने के लिए चालू कर देगा, स्पिन क्या करेगा धोने के बाद वाले जो पानी निकालना है कपड़े के अंदर से आपको निकाल देना है उसका टाइम आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो उम्मीद है कि मुझे आप को ये प्रोग्राम के पूरे सेटिंग जो आपको मालूम पड़ गया है, तो इसके छोड़ के और कुछ आपके पास डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अच्छा अपने और एक बार मैं आपको रिपीट कर दूँ, यहाँ पे सबसे इजी नॉर्मल जेंटल मीन्स वूल, वूल मीन जहाँ पे आपके वूल के कपड़े हैं जैसे कि वूल का टी शर्ट है या कोई बच्चों के कपड़े हैं जिसको वेट कम होता है वूल का आता है उसको सिलेक्ट करना है जेंटल। क्विक वॉश इज टाइम सेविंग है जहाँ पे आपको कम टाइम में कपड़े धोने हैं। स्ट्रॉन्ग जीन में आपको जीन्स वाले जैकेट्स और जीन्स देना है जहाँ पे ज़्यादा हेवी है, चद्दर है, बड़े बड़े टॉवल्स है, इसका वजन ज़्यादा है वहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है। आगे का नॉर्मल मोड छोड़िए, एक्वा रिवर्स में कैसे क्या बोला कि पानी पहले लेता है धोता है निकाल देता है, सेकंड टाइम जो पानी लेता है तो उसको वो निकालता नहीं है, वही पानी में आके जाके वो धो के छोड़ता है तो इसमें पानी की बचत होती है। और टब क्लीन मैंने आपको बोला है कि टब क्लीन का प्रोसेस पूरा अलग है, आपको जो समझो ये ले आपको देखना है कि ये मशीन एलजी का टॉप लोडिंग मशीन का टब वॉश कैसे करते हैं तो आपको लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ वीडियो के नीचे, आप उसको खोलिए और वो वीडियो पूरा देख लीजिए। उम्मीद है कि मुझे ये मेरा जो वीडियो है आपको अच्छा लगाएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, आपके ग्रुप के अंदर शेयर करिए और कुछ डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट के अंदर नीचे डाल के कमेंट कर सकते हैं।
तो हम जल्दी मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद और जय हिंद।